हेलो फ्रेंड, आज आपके साथ में शेयर करेंगे कुलचे की रेसिपी, आलू भरे कुलचे की रेसिपी, जो कि इसको बनाना बहुत ही आसान है और आप बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। और साथ में हम शेयर करेंगे पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी। तो चलिए फिर, यहाँ पर जो है हमने 100 ग्राम के लगभग पनीर लिया हुआ है, जिसे हमें जो है कट कर लेना है। आप अपने मनपसंद पीस जो है कट कर लीजिए। यहाँ पर जो है हमने पनीर को जो है कट कर लिया है, इस तरह से जो है हमने इतने बड़े इसके पीस किए हैं। आप अपने हिसाब से काट लीजिएगा। और यहाँ पर जो है इसमें डालने के लिए हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हुए हैं, जिनको हमने बारीक काट लिया है। और यहाँ पर हमने 2 टमाटर लिए हैं, टमाटर को भी हमने बारीक काट लिया है। और यहाँ पर जो है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है 1 चम्मच के लगभग। और यहाँ पर हमने एक बाउल में भर के पानी लिया हुआ है, और ये मसाला है, मटर पनीर मसाला है मिक्स। तो यहाँ पर जो है ये मटर पनीर मसाला मिक्स है, तो आप चाहो तो इसमें मटर डाल सकते हो, पर हम नहीं डाल रहे हैं। और इसे जो है हमें घोल लेना है पानी में अच्छी तरह से, जो हमें इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर जो है हमने मसाले को मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर हमने गैस पर जो है कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें 2 टेबल स्पून के लगभग मस्टर्ड ऑयल डाला है। और इसमें हम प्याज जो हमने काट के रखा था वो डाल दिया है। और प्याज जो हमारा है वो अच्छी तरह से भून गया। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट हमें डाल देना है और इसे चला देना है। इसके बाद में हमें जो है टमाटर डाल देने हैं। अब हम टमाटर डाल देंगे, जो हमने टमाटर कट करके रखे हुए थे वो डाल देंगे। और जब तक जो है हमारे टमाटर गल नहीं जाते हैं, तब तक हमें टमाटर को जो है पका लेना है। इसे हम ढक देंगे 1 मिनट के लिए। यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, जो टमाटर हमारे वो बहुत अच्छी तरह से पक भी गए हैं। जो हमने घोल बनाकर रखा था उसे डाल देंगे। आप इस तरीके से भी मटर पनीर का मसाला लेकर बना सकते हो, और अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो आप अपने तरीके से पनीर बना सकते हो। पनीर की सब्ज़ी ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसे जो है हमें ढक देना है और 5-6 मिनट के लिए हमें इस ग्रेवी को पका लेना है। यहाँ पर जो है 5-6 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम जो है कटा हुआ पनीर डाल देंगे। पनीर डालकर हमें 4 से 5 मिनट तक मीडियम गैस पर जो है सब्ज़ी को पका लेना है। यहाँ पर जो है सब्ज़ी को हमने 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया है। सब्ज़ी जो हमारी है वो बन चुकी है। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है देखने में, तो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और यहाँ पर जो है हम अब कुलचे बनाएंगे। कुलचे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया हुआ है, और 1 ही कप हम नाप कर गेहूँ का आटा ले लेंगे। और यहाँ पर जो है हमने 1 चम्मच के लगभग दही डाल दिया है। दही डालने के बाद में हमें जो है 1 चम्मच के लगभग घी डाल देना है। आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। 1 चम्मच के लगभग हमें इसमें नमक डाल देना है, और 1/2 चम्मच जो है हमें इसमें चीनी डाल देनी है। और इन सारी चीज़ों को जो हमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद में हमें इसका जो है डो लगा लेना है। यहाँ पर जो है सारी चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद में हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगाना है। यहाँ पर जो है हमने डो लगा लिया। आप देख सकते हो इस तरीके से हमें इसका थोड़ा सा पतला डो लगाना है। इसको हम जो है 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद में हमें कुलचे बनाने हैं। और यहाँ पर हमने उबले हुए आलू लिए हैं, जिनको हमने मैश कर लिया। उसमें हम 1/2 चम्मच धनिया डालेंगे, धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच के लगभग हमने हींग डाली है, और नमक डाला है 1/2 चम्मच के लगभग, 1/2 चम्मच के लगभग चाट मसाला डाला है, और 1/2 चम्मच के लगभग हमने लाल मिर्च डाला है। और इसे जो हमें मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर जो है 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम कुलचे बनाते हैं। यहाँ पर जो है हमें लोई ले लेनी है, और लोई में थोड़ा सा आटा लगा लेना है। और जिस तरह से जो है हम पराठे बनाते हैं उसी तरह से, आलू भर के हम पराठे बनाते हैं उसी तरह से हमें जो है इसको भरकर बेल लेना है। आप चाहो तो हाथ से भी ऐसे कर सकते हो, पर यहाँ पर हम बेल रहे हैं। हाथ से भी ये आसानी से हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है हमें सारे कुलचे भर लेने हैं, भरकर बेल लेने हैं। यहाँ पर जो है कुलचे को हम बेल लेते हैं।
यहाँ पर जो है हमने कुलचे को बेल लिया। इसी तरीके से जो है हमें सारे कुलचे बेल लेने हैं। यहाँ पर हमने गैस पर पैन रख दिया है। पैन जो हमारा है वो गर्म हो चुका है। अब इसमें हम कुलचा डाल देंगे और एक साइड जो है कुलचा हमारा पक गया है। इसमें हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। आप घी, बटर या रिफाइंड ऑयल कुछ भी लगा सकते हो। और इसे जो हमें सेंक लेना है। इसी तरह से जो हमें सारे कुलचे सेंक लेने हैं। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो कुलचे की, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, आप इसको बहुत ही, ना तो इसमें हमने सोडा डाला है ना तो कुछ डाला है, बस ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे ये अगर आप इस तरीके से बनाओगे। तो इसी तरीके से जो है हम सारे कुलचे सेंक लेंगे। यहाँ पर जो है हमने कुलचे को सेंक लिया है। इस कुलचे के साथ में आप पनीर की सब्ज़ी या फिर छोले कुलचे आप बना सकते हो। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।